क्वेश्चन इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। तो इस क्वेश्चन को हम टू डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स, और इस पर हम पुट करेंगे पुटिंग कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। सो एक्स इक्वल टू कॉट टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डी एक्स इक्वल टू कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर टी डी टी। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स के प्लेस में टी लिखेंगे, और इस टी एक्स के प्लेस में माइनस कॉसेक स्क्वायर टी डी टी। और इसमें अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो ये होगा टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर टी माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर टी डी टी टू डी टी, और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं बिग ब्रैकेट। सो इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट टी माइनस इंटीग्रेशन, और इसका वन हो गया, और कॉसेक स्क्वायर टी का होगा माइनस कॉट टी डी टी। सो इक्वल टू इस माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा प्लस टी कॉट टी, और ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा कॉट टी डी टी। सो इक्वल टू टी कॉट टी माइनस कॉट टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग कॉसेक टी प्लस सी। सो इक्वल टू टी कॉट टी माइनस माइनस प्लस, और ये लॉग कॉसेक टी प्लस सी। सो इक्वल टू टी कॉट टी प्लस लॉग, और इस कॉसेक टी को लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर टी प्लस सी। सो इक्वल टू, और कॉट इनवर्स एक्स को हमने टी लिया था, और तो कॉट टी की जगह होगा एक्स, और ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस लॉग मोड वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर वन अपॉइंट टू प्लस सी। सो इक्वल टू एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉइंट टू लॉग मोड वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। और अब हम इसे सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में भी पहले हम इसको लेट लेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स, और यहाँ पे वन पुट करते हैं, और अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो आई लेट के अकॉर्डिंग कॉट इनवर्स एक्स जो होगा वो इनवर्स फंक्शन है, तो ये होगा डिफरेंशियल पार्ट, और ये वन जो है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये होगा इंटीग्रल पार्ट। सो इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन वन डी एक्स
dx. So equal to cot inverse x over 1 dx का x over और cot inverse x का होता है minus 1 upon 1 plus x square और ये हो गया x dx. So equal to x cot inverse x और ये minus minus plus x upon 1 plus x square dx. और अब हम इसमें 1 plus x square को लेट लेते हैं t and differentiate with respect to t. So 2x dx equal to t का dt होगा. So x dx equal to half dt. So therefore I equal to x cot inverse x plus इंटीग्रेशन इस x dx के जगह हम लिखेंगे हाफ dt. तो हाफ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं और 1 प्लस x स्क्वायर के प्लस पे t इक्वल टू x cot इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 log mod t प्लस c. सो x cot इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 log और t को हमने लेट लिया था 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c. सो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड